हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द RN45 एजुकेशन। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार बजट 2024-25 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं और ये क्वेश्चन जो है अगर आप लोग बिहार में किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार का अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GHDP क्या होगा। तो पूछा गया है 2024-25 के लिए बिहार का अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद, तो ये आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही है। और इसे जो है पेश कौन करता है, तो बिहार के वित्त मंत्री द्वारा जो है इसे पेश किया जाता है। और बिहार के वित्त मंत्री कौन है, श्री सम्राट चौधरी, ये भी याद रखिएगा, श्री सम्राट चौधरी। अगर बिहार के योगदान की बात करें तो 3.1% योगदान है, भारत की कुल GDP का 3.1% योगदान जो है बिहार से जो है आता है। और इस मामले में नंबर वन पे है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से कुल भारत का 15.7% योगदान जो है आता है GHDP की अगर बात करें तो। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे भी नोट कर लीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री आप लोग जानते ही हैं, नीतीश कुमार, ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार। और अगर बात करें राज्यपाल की, तो बिहार के राज्यपाल कौन है, श्री राजेंद्र विश्वनाथ आरलेकर, ठीक है, श्री राजेंद्र विश्वनाथ आरलेकर जी हैं बिहार के राज्यपाल। और वित्त मंत्री कौन है, अभी मैंने आप लोगों को बताया, वित्त मंत्री हैं श्री सम्राट चौधरी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 2024-25 के लिए बिहार का बजट आवंटन क्या है। तो पहला ऑप्शन सही है इसमें, 2.78 लाख करोड़ रुपये। अगर बात करें 2024-25 बिहार का बजट आवंटन के बारे में, तो इसे पेश किया गया था बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा। और बजट का आवंटन क्या रहा, 2.78 लाख करोड़ रुपए, जिसमें अगर शिक्षा विभाग पर बजट की बात करें तो 22,200.35 करोड़ रुपए थे, और ग्रामीण विकास 13,840.56 करोड़, और समाज कल्याण 8,191.79 करोड़ रुपए थे। और भी कई कार्यों के लिए जो है बजट पेश किया गया, जैसे ग्रामीण कार्य, स्वास्थ्य विभाग और छात्रवृत्ति परियोजनाओं के लिए भी बजट पेश किया गया। तो अगर बात करें बिहार का बजट आवंटन के बारे में, तो सबसे ज़्यादा जो है बजट किसके लिए तैयार किया गया था, शिक्षा विभाग के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, 2023-24 में बिहार में कितने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया है। पहला ऑप्शन है 1.5 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 2.5 करोड़, तो दूसरा ऑप्शन सही है, लगभग 2.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न है 2024-2025 के लिए बिहार का अनुमानित राजकोषीय घाटा क्या है। पूछा गया है बिहार का अनुमानित राजकोषीय घाटा क्या है, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है 3%, यही सही है। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार में किस योजना का विस्तार शहरी क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रदान करने के लिए किया जाएगा। पहला है हर घर बिजली लगातार, दूसरा है लाडली बहना, तीसरा है जीविका, तो तीसरा ऑप्शन सही है। तो अगर बात करें इस परियोजना की, तो ये परियोजना जो है गरीबी उन्मूलन के लिए जो है बिहार सरकार द्वारा चलाई गई एक पहल है। बिहार ग्रामीण जीविका परियोजना जो है विश्व बैंक द्वारा जो है सहायता प्राप्त है, ये भी याद रखिएगा। और अगर बात करें पहले ऑप्शन की, तो दिया गया है हर घर बिजली लगातार, ये भी जो है बिहार राज्य की है एक योजना है, जिसमें जो है 50 लाख घरों में जो है मुफ्त बिजली कनेक्शन देना इसका लक्ष्य है। अगर बात करें बिहार की, तो वहाँ पर 50% जनसंख्या ऐसी है जहाँ पर बिजली कनेक्शन जो है उपलब्ध नहीं है, तो इस योजना के तहत जो है उन घरों में जो है मुफ्त बिजली का कार्य जो है किया जाएगा। और अगर बात करें लाडली बहना, ये जो है महाराष्ट्र की एक परियोजना है, इसे जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदापुरम में परियोजना को जो है शुरू किया था। अगर इस योजना की बात करें, तो इसमें जो है 1,000 रुपये प्रतिमाह जो है सभी वर्ग की गरीब बहनों को जो है दिए जाएंगे। तो याद रखिएगा हर घर बिजली लगातार, ये जो है आपकी बिहार की है, और जीविका परियोजना जो है ये भी आपकी बिहार की है, और लाडली बहना ये जो है महाराष्ट्र की एक परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 6, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जून 2023 रिपोर्ट के अनुसार 15 से 29 के लिए बिहार की बेरोजगारी दर क्या है।
यहाँ पे 15 से 29 दिया गया है, मतलब 15 से 29 साल के लिए बिहार की बेरोजगारी दर क्या है? तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही है, 13.9%। सातवां प्रश्न देखिए, बिहार बजट 2024-25 के दौरान किस विभाग को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ? तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। अगर बात करें बिहार राज्य की, तो कुल बजट आवंटन कितना था, मैंने आप लोगों को पीछे भी पढ़ाया, 2.78 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है किस विभाग को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ। ठीक है, तो शिक्षा विभाग को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ, ये मैंने आप लोगों को अभी पीछे ही पढ़ाया है। शिक्षा विभाग को लगभग 22% से अधिक जो है बजट प्राप्त हुआ है। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था शिक्षा विभाग पर कितने करोड़ रुपए जो है बजट पेश किया गया, 22,200.35 करोड़ रुपए जो है बजट पेश किया गया शिक्षा विभाग को लेकर। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन सही है, सबसे अधिक शिक्षा को जो है, अगर बात करें बिहार बजट की, तो सबसे अधिक आवंटन शिक्षा को प्राप्त हुआ था। आठवां देखिए, वर्ष 2024-25 तक बिहार का कुल व्यय ऋण भुगतान को छोड़कर कितना होगा? इसमें देखिए पहला ऑप्शन सही है, 2.56 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, 2024-25 की अवधि के लिए बिहार का राजस्व अधिशेष क्या है? पूछा गया है बिहार का राजस्व अधिशेष 2024-25 के लिए क्या है? पहला ऑप्शन सही है, 1,121 करोड़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, 2024-25 के लिए बिहार का प्रस्तावित राजस्व व्यय क्या है? इसमें पूछा गया है प्रस्तावित राजस्व व्यय क्या है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, 2.25 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये हो गए 10 प्रश्न बिहार बजट 2024-25 को लेकर। इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को अवश्य देखने को मिलेंगे एग्जाम में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।